भारतीय वायुसेना के पास अब होगा तेजस का नया संस्करण। आज बेंगलुरु में एचएएल कंपनी वायुसेना को सौंपेगी तेजस का ट्रेनर वर्जन। रक्षा राज्य मंत्री और एयर चीफ मार्शल रहेंगे मौजूद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज से 3 दिन की समीक्षा के बाद 6 तारीख को होगी नतीजों की घोषणा। अमेरिकी संसद के इतिहास में पहली बार स्पीकर का पद खाली करने का प्रस्ताव पारित। पद से बेदखल किए गए रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैकार्थी, अब नए स्पीकर का होगा चुनाव। इटली के वेनिस में एक बस हादसे में 21 लोगों की मौत, 40 घायल। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जताया दुख, घटना की जांच के दिए गए आदेश। खेल की खबरों में एशियाई खेलों में भारत ने 70वां पदक जीतकर सर्वाधिक पदक के रिकॉर्ड की बराबरी की। 2018 में जकार्ता में जीते थे सबसे अधिक 70 पदक। 35 किलोमीटर मिश्रित रेस वॉक में जीता कांस्य, अब नीरज चोपड़ा और मुक्केबाजी से स्वर्ण की उम्मीद। और अगले 3 दिन बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तरी ओडिशा में तेज से बहुत तेज वर्षा होने का अनुमान। सोनभद्र जिले के चुरक में सबसे ज्यादा 16 सेंटीमीटर बारिश दर्ज। तो नया सवेरा में आइए सबसे पहले देखेंगे देश भर से कुछ खास खबरें। बिल्कुल, और बात करते हैं बिहार।